इस घर के बड़े बेटे हैं, आप इस घर की सबसे बड़ी शान भी हैं। घर का हर सदस्य खुद से ज्यादा आप पर विश्वास करता है भैया। बंद करो ये बकवास। चुप। एकदम चुप। क्यों दूं तुम्हारे सवालों का जवाब? क्योंकि अगर नहीं दिए तो हम सबको आपका सच बता देंगे भैया। अच्छा, तो तुम सबको मेरा सच बता दोगी? ठीक, तो मैं तुम्हारी माँ के उस विश्वास पर सच कर दूंगा कि तुम्हारा भाई अब इस दुनिया में नहीं। वो सच कि तुमने मेरी परिणीता को उस नदी में धक्का दे दिया। भैया, हमने परिणीता भाभी को धक्का नहीं मारा था। और भैया, हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं। आप हमारे छोटू को कुछ मत करना भैया। कुछ भी कर सकता हूँ और करूंगा। अरे, लाइफ में और झमेले नहीं चाहिए मुझे। क्यों भैया, क्यों कर रहे हो आप ये सब? तुमसे बड़ा हूं,
मुझसे सवाल जवाब मत करो, नहीं तो किसी की जान चली जाएगी। और हाँ, ना तो मुझे तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशन देना और ना तुम्हारे किसी सवाल का जवाब देना है। और हाँ, तुम मेरा ये सच किसी को नहीं बताओगे, समझी? किसी को भी नहीं। आदर्श, क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, क्यों, क्या हुआ? ना कुछ तो हुआ छोरे, तू हमारे को ऐसे मुरझाए हुए पालक की तरह क्यों लग रहा है? जो शकल देखी है अपनी, कैसे पपीते की तरह पीली हो रखी है, क्या हो गया छोरे? एक मिनट, खून? मुझे चोट कैसे लगी? ये कैसे हुआ? माँ बाहर बारिश हो रही है तो फिसल गया था मैं। की? ना मारे को तुम्हारी बात ना समझ में आ रही है छोरे। तूने तो बोला था कि तू कोई बहुत जरूरी मीटिंग में जा रहा है, फिर तू एकदम से रास्ते में कैसे फिसल गया? चाची मीटिंग के लिए जा रहा था, फिर ये चोट लग गई तो पूरा प्लानिंग कैंसिल हो गया और घर वापस आ गया। और घर वापस आया तो देखा कि स्वरा और रागिनी यहीं खड़े हैं। पता नहीं दोनों यहाँ क्या कर रहे थे। मैं रागिनी के लिए आई थी आदर्श भैया। खैर, आपका ये जैकेट दे दीजिए, उस पे खून का धब्बा लग गया, मैं साफ करवा देती हूँ। दे देना छोरे। बातों बातों में मैं पूछना भूल गई, रागिनी तुम्हारी तबीयत कैसी है बेटा? तबीयत अब ठीक है माँ, वो बीच में थोड़ा अजीब लग रहा था इसलिए हमने स्वरा को बुला लिया। अच्छा किया। आदर्श चलो बेटा, मैं तुम्हें दवाई लगा दूँ, आओ। जी। हुगली के प्रॉपर्टी पेपर्स। अच्छा हुआ भैया से ले लिए मैंने।
बड़ी माँ, लॉकर की चाबियां मिल गई। कमरे में ही गिरी थी, ये लीजिए। भगवान का लाख लाख शुक्र है, ये चाबियां मिल गई। अच्छा अजीत जी, ना तारे को पता है, पूरी पूजा में जी बैठा हुआ था, पता नहीं चाबी कट्ठे खो गए। अच्छा हुआ मिल गई। ना पता नहीं, अब संभाल के रखना अजीत जी। काश हम लक्ष्य को सब सच बता पाते। अब इन कैमरा से क्या डरना रखें, क्योंकि अब तो आदर्श भैया को पता है कि हमें उनके बारे में सारा सच पता है। स्वरा, यूं ये सब लक्ष्य से छुपाना हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। कभी कभी सोचते तो ऐसे भी लगता है कि शायद लक्ष्य नाराज हो जाएंगे। उन्हें ऐसा पहले क्यों नहीं बताया? आखिरी मैं समझती हूँ, पर ये मत भूलो कि छोटू अभी भी आदर्श भैया के पास है। मुझे लगता है हमें अभी इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताना चाहिए। अरे क्या हुआ, कोई भूत देख लिया क्या? ये मैं हूं आदर्श। अच्छा तुम दोनों यहाँ कर क्या रहे हो? तुम दोनों मेरे अगेंस्ट प्लानिंग तो नहीं कर रहे हो ना? स्वरा और रागिनी का नया स्वरागिनी ड्रामा, और शैतान हो तुम लोग। वैसे मैंने भी तुम्हारे ऊपर नजर रखी हुई है, देखो तो। कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचते हैं। तुम दोनों अभी के अभी मेरे रूम में आओ। तुम दोनों को क्या लगा कि कैमरे के साथ छेड़छाड़ करोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा? मैं दूसरा कैमरा नहीं लगा सकता क्या? चलो मैं तुम दोनों पर एक एहसान करता हूं। आज के बाद तुम दोनों पर नजर नहीं रखूंगा। जो करना है करो और जितनी बातें करनी है करो, लेकिन एक भी गलत कदम उठाने के बारे में सोचा तो अपने छोटे से भाई को अलविदा कहना पड़ेगा। भैया, भैया, छोटा बच्चा है वो, उसके साथ ऐसे करने के बारे में आप सोच भी कैसे सकते हैं? पेपर पर मुझे अपने सो कॉल्ड बाप के सिग्नेचर चाहिए। नहीं, तुम अपने भाई की जिंदगी से प्यार करती हो ना, या सिर्फ उसे अपनी यादों में जिंदा रखना चाहती हो? या
आदर्श आया माँ। सिग्नेचर्स भूल मत जाना वरना चेस। हम पेपर्स आज ही भिजवा देते हैं। संस्कार का फोन था, कल रात उसने कुछ पेपर्स फैक्स किए हैं, उन पर दस्तखत करके हमें फौरन भिजवाने हैं। पापा जी आप रहने दीजिए, हम आपके पेपर्स लेकर आते हैं। ठीक है बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया, जाओ पेपर स्टडी में है, ले आओ। जी। पापा जी आपके पेपर्स। रख देना बेटा। रागिनी ये लो पेन। नहीं तो रहने देना। लक्ष्य मुझे वैसे भी कुछ और पेपर्स कोरियर करने हैं तो साथ में कर लूंगा ना। ठीक रुकिए आदर्श भैया।